फ्रेंड्स, यदि आप एक 32 इंच का एलईडी टीवी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेस्ट 5 स्मार्ट एलईडी टीवी 32 इंचेस के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी टेक पे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज हम जैसे ही अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इनमें से कोई सा भी एलईडी भी परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे एफिलिएट लिंक से ज़रूर परचेस करें, तो इससे हमें फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, जिस कारण से हम अपने चैनल को और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पांचवें नंबर पे। तो पांचवें नंबर पे यहाँ पे मैंने दो ब्रांड्स को एक साथ रखा हुआ है, सैमसंग की एलईडी टीवी और एलजी की एलईडी टीवी। तो फ्रेंड्स, दोनों का रखने का रीज़न में एक साथ में ये था कि दोनों ही स्मार्ट टीवी आपको जो मिलती हैं देखने के लिए, तो यहाँ पे ये आपको बता दूँ मैं आप सभी को कि दोनों में जो सिमिलैरिटी है, दोनों में सेम फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही एलईडी टीवी के अंदर। पे पिक्चर क्वालिटी की लगभग बात करें तो लगभग दोनों में पिक्चर क्वालिटी सेम ही है। और बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी में जो एलजी का टीवी सैमसंग के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है। हालाँकि 10 वॉट का ऑडियो इसमें सैमसंग के एलईडी टीवी में भी मिलता है आपको, और एलजी के एलईडी टीवी में भी आपको 10 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग के कंपेरिजन में एलजी का जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर है। तो आप यहां पे यदि बात करें सैमसंग की टीवी की, तो सैमसंग में आपको टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, और वहीं पे एलजी में यदि बात करें तो एलजी में आपको देखने को मिलता है वेब ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, लगभग रिफ्रेश रेट की भी बात करें तो यहाँ पे एलजी में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और सैमसंग में आपको 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसीलिए सेम आपको पांचवें नंबर पे यहाँ पे सैमसंग और एलजी दोनों ही टीवी मैंने रखी हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए आपके बेटर हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा बेटर है। यदि आप एक ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो सैमसंग एलजी में से आप दोनों में से कोई सा भी टीवी ले सकते हैं। सैमसंग भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और एलजी भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो पांचवें नंबर पे इसलिए मैंने दोनों ही टीवी को रखा हुआ है साथ में। अब बात करते हैं यदि प्राइस की, तो दोनों ही टीवी का जो प्राइस है सेम है, 13,999 में दोनों ही स्मार्ट टीवी मिलती हैं आपको। तो दोनों ही 32 इंच की स्मार्ट टीवी हैं, तो दोनों ही टीवी में से आप कोई सा भी टीवी चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों में से जो डिफरेंस है वो बता दिया, पिक्चर क्वालिटी का कोई भी आप इतना मेजर डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऑडियो क्वालिटी का आपको डिफरेंस दोनों में देखने को मिल जाएगा। ऑडियो में ज़रूर मैंने जैसे कि आपको बताया सैमसंग में ऑडियो थोड़ा सा कम है और एलजी में ऑडियो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर बात करें तो मोटोरोला का टीवी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, मॉडल नंबर जिसका 32SAFHDM। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है HD रेडी LED टीवी, जिसके यदि पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है 8-bit कलर डेप्थ के साथ में, 16 मिलियन कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि सुपर ब्राइट पैनल है जो कि बेटर कलर प्रोवाइड करता है आपको। और साथ में साउंड आउटपुट की बात करें तो 20 वाट का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है, डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश रेट आपको 60 हर्ट्ज तक का देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड टीवी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट बिल्टिन आपको देखने को मिल जाता है। साथ में आपके जो इसमें आपको प्रीलोडेड यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार प्लस, यहाँ पे आपको यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन आपको प्रीलोडेड आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल बात करें टीवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बात करते हैं इसके माइनस पॉइंट की, तो यहाँ पे आपका जो कनेक्टिविटी है इसमें यहाँ पे यदि बात करें हम क्रोमकास्ट की, तो वो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है। बट यहाँ पे यदि सॉफ्टवेयर अपडेट यदि होता है तो हो सकता है कि आपको ये फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इस टीवी की यदि प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आपको ये टीवी मिल जाता है 13,999 रुपीज़ में। यदि आप इस टीवी को परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है TCL का S6500 सीरीज़। तो यहाँ पे जो ये टीवी है
फुल एंड्रॉयड टीवी है। यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट बिल्ट इन का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन बात करें यहाँ पे तो HD रेडी पैनल है। यहाँ पे रेजोल्यूशन 1366x768 का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करें तो 16W का साउंड आउटपुट है और यहाँ पे लेकिन ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑडियो क्वालिटी है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 20W है या फिर 16W है, ये कंफ्यूजन आप नहीं कर पाएंगे टीवी में। रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz तक का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यदि बात करें हम कुछ एडिशनल फीचर्स की तो यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे वाईफाई जैसे बिल्ट इन है, 3G डोंगल आप इसमें लगा सकते हैं, साथ में HDMI के भी दो पोर्ट आपको साइड में देखने को मिल जाते हैं, एक USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो 280 ब्राइटनेस निट्स आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट रेशियो की यदि बात करें तो 3000:1 स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाते हैं। पैनल यहाँ पे A+ पैनल देखने को मिल जाता है आपको, और व्यूइंग एंगल की यदि बात करते तो 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे यदि इस टीवी का यदि प्राइस की बात करें तो ये आपको आता है 12,979 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छा टीवी है, और यदि इस टीवी को यदि परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आता है Realme का लेटेस्ट लॉन्च स्मार्ट टीवी 32 इंच का। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिस कारण से आपको गूगल असिस्टेंट प्लस क्रोमकास्ट इन बिल्ट आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो HD रेडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको 1366x768 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करें तो 24W का साउंड आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑडियो आउटपुट आपको इसमें देखने को मिल जाता है 24W के साउंड होने के कारण से। साथ में यहाँ पर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz तक का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में बात करते हैं यदि इसके व्यूइंग एंगल की तो यहाँ पे 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल आपको देखने को मिल जाता है। बेजल लेस डिज़ाइन है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ में आपको ये टीवी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इसका ऑडियो क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम यदि बात करूँ, यदि माइनस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाता है, जो इसकी कनेक्टिविटी है, यानी कि क्रोमकास्ट वगैरह जब आप करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग देखने को मिल जाता है। लेकिन आई होप जब इसमें यदि सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे टीवी देखने को मिल जाता है। यदि बात करते हैं इसके प्राइस की तो ये आपको मिलता है 12,999, यानी कि 13,000 रुपये में ये टीवी आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा प्राइस है, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा LED टीवी यदि परचेस करना चाहते हैं तो Realme एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नंबर वन पे, तो नंबर वन पे आता है व्यू सिनेमा टीवी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने व्यू सिनेमा टीवी और रियलमी टीवी के ऊपर मैं कंपैरिजन किया था, तो आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए, व्यू सिनेमा टीवी या फिर रियलमी टीवी, तो वीडियो ज़रूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड टीवी, फुली एंड्रॉयड टीवी है। आपको यहाँ पे क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने को मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, HD रेडी रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। साउंड आउटपुट की बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इसका यह है कि आपको इनबिल्ट आपका यहाँ पे साउंड बार देखने को मिल जाता है टीवी के अंदर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है आपको। और ऑडियो की आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे 40W का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ऑडियो आउटपुट यहां पे देखने को मिल जाता है टीवी के अंदर। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो काफी ज्यादा पिक्चर क्वालिटी आपको A+ ग्रेड का पैनल आपको देखने को मिल जाता है, जो कि IPS ब्राइटनेस पैनल आपको यहां पे IPS पैनल देखने को मिलता है, जिसके कारण से आपको जो ब्राइटनेस है और व्यूइंग एंगल है काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको जो 40W का साउंड बार आपको जो अटैच है टीवी में नीचे साइड में, जो कि जिस कारण से आपको जो टीवी का लुक है काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिनेमा टीवी है, इसके नाम से भी पता चलता होगा क्योंकि सिनेमा टीवी, तो यहाँ पे जैसा नाम है इसका वैसा ही इसका काम है। तो आपका फुल्ली आपका यदि आप इस टीवी में यदि कोई भी मूवी वगैरह देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप सिनेमा हॉल में बैठ करके टीवी को एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टीवी है। यदि बात करें इसके प्राइस की तो प्राइस आपको मिलता है 13,499 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा बेटर टीवी आपको मिल जाता है, जिस कारण से व्यू को सिनेमा टीवी हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है। यदि आप इस टीवी को परचेज करना चाहते हैं तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम जैसे ही अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।